कोरोना वैक्सीन को लेकर मचे विवाद पर सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय सचिव कशिश वारसी ने बड़ा बयान देते हुए अपील की कि सबसे पहले तो सरकार उन चेहरे को बेनकाब करे जो मुस्लिमों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं और वैक्सीन लगाने से पहले देश के मुस्लिम धर्म गुरुओं से बात करके उनसे समाज के लिए अपील कराई जाए, क्योंकि जिस समय पोलियो का टीका आया था उस समय भी लोगों में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, तभी धर्म गुरुओं ने ही मुस्लिम समाज से अपील करके टीकाकरण मुहिम को आगे बढ़ाया था। और ये जो फतवे की राजनीति है ये भी खत्म होनी चाहिए। और जहां तक कोरोना वैक्सीन में सुअर की चर्बी के इस्तेमाल की बात है तो सरकार को चाहिए कि वैक्सीन में प्रयोग होने वाली दवाई के बारे में विस्तार से चर्चा करके एक कमेटी बनाकर इस्लामिक धर्म गुरुओं के माध्यम से वैक्सीन लगवाने की अपील की जाए और वैक्सीन आनी चाहिए, क्योंकि जान बचाना जरूरी है। जहाँ तक दवाई की बात है तो होम्योपैथिक दवाई में अल्कोहल मिला होता है, लेकिन उसके बाद भी बीमार होने पर दवाई ली जाती है। सूफी इस्लामिक बोर्ड सरकार के साथ खड़ा है, उन लोगों को भी आगाह किया है जो मुस्लिम समाज में कोरोना को लेकर कहते घूम रहे हैं कि ये कोरोना नाम की कोई वायरस नहीं है, ये मोदी सरकार का फैलाया हुआ भ्रम है, इसलिए बिना दवाई जान बचाना संभव नहीं है। सर, जो वैक्सीन आ रहा है कोविड को लेकर, दरअसल उसमें जो है वो चीज़ जो सामने आ रही है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो ये है कि उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि उसके अंदर सुअर की चर्बी है। दरअसल बहुत सी दवाएं हैं होम्योपैथिक में है, उसमें अल्कोहल है और दीगर दवाएं हैं उसके अंदर भी अल्कोहल कहा जाता है। इसलिए हमारे मज़हब में ये कहा गया है कि अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और आपके सामने सांप उस पोजीशन में आ जाए कि वो आप पे हमलावर हो, तो आप नियत तोड़ के सांप को मार दें। जान बचाना इस्लाम में ऐन फरीज़ा है। दरअसल जो भ्रम का मामला है, मैं तो ये कहूँगा, एक अपील ये करूँगा गवर्नमेंट से कि उन चेहरों को बेनकाब किया जाए जो ये भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि अब क्योंकि सूफी इस्लामिक बोर्ड खानकाहों के लिए है, खानकाहों पे काम कर रहा है, तो हम ये चाहेंगे कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के जो सज्जादगान कमेटी के वहाँ के सदर हैं मोइन मियाँ, उनको, निज़ामुद्दीन औलिया के सज्जादे को ले लीजिए, आप साबिर पाक के सज्जादे को ले लीजिए, आप हज़रत मखदूम अशरफ समदानी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादे को ले लीजिए, वारिस पाक के आस्थाने आलिया के मैनेजर को ले लीजिए, आप ज़िम्मेदार लोगों को इकट्ठा कीजिए और उनसे एक मुश्तरक अपील जो है कराई जाए इसको लेके, क्योंकि जब इसके अंदर उसका पोलियो का जब टीका आया था तब भी एक बहुत बड़ी भ्रम की स्थिति बनी थी और उसमें जब धार्मिक गुरु सामने आए थे तो जहन साफ हुआ था। आज वक्त वो आ चुका है कि आज दरअसल हिंदुस्तान में जो इस्लाम फैला है वो तलवार के बल पर नहीं फैला, ना अरब में फैला ना यहाँ फैला, वहाँ रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पर फैला, यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज की मेहनत, मोहब्बत और प्यार और लगन से फैला। तो हम ये चाहते हैं कि एक जितने भी हिंदुस्तान के अंदर बड़े आस्थाने हैं उनके तमाम सज्जादगान को इकट्ठा करके एक मुश्तरका मीटिंग करके प्राइम मिनिस्टर या गृह मंत्री और हेल्थ मिनिस्ट्री और एक बाकायदा एक बड़ा बयान जो है जारी कराया जाए इस सिलसिले के अंदर, जिससे लोग आने वाली परेशानी से बचें। क्योंकि जान बचाना इस्लाम के अंदर कहा गया है, जान देना नहीं कहा गया है। आज वक्त आ चुका है कि हिंदुस्तान की खानकाहों को आगे आना पड़ेगा और जो लोग ये चाहते हैं कि हर चीज़ पे फतवा आए, हर चीज़ पे फतवा आए, ये जो फतवे की राजनीति है ये ख़त्म होनी चाहिए। आज हमारे मजहबी रहनुमाओं को जो गरीब नवाज की बारगाह से हैं, जो साबिर पाक की बारगाह से हैं, जो निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह से हैं, जो वारिस पाक की बारगाह से हैं, जो हज़रत मखदूम अशरफ समदानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से, उनके सज्जादों को, उनके धर्म गुरुओं को आगे आना पड़ेगा और सही इस्लाम जो रहमतुल्लाह आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, मौलाए कायनात ने दिया, हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम ने दिया और वहाँ से चलता हुआ गरीब नवाज से वारिस पाक तक आया, वो हमें देना है। तो जैसे ये जो लोग भ्रम फैला रहे हैं कि सुअर की चर्बी है, ये है वो है, जो फतवे जारी कर रहे हैं, ये क्या मैसेज दे रहे हैं? दरअसल बेसिकली सुअर की चर्बी के बारे में जो मामला आ रहा है इसमें कोई दोराय नहीं कि हमारे मजहब में सुअर की चर्बी हराम है। उस अगर कहीं पर ये पता भी लग जाए कि गलती से उसका कोई भी चीज़ इस्तेमाल हो गई है तो हम लोग उसे अवॉइड करते हैं, वहाँ नहीं जाते हैं, वहाँ नहीं खाते हैं।
इसमें कोई दुराय नहीं। लेकिन गवर्नमेंट से भी मैं अपील करूंगा, मैंने जो बात कही है कि तमाम हमारे खानकाहों के सज्जादों को लेकर और उन्हें ये बताएं कि इसके अंदर क्या क्या है, और उसके बाद जो जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं अगर इसमें नहीं है, और भाई आज तो मुसलमान डॉक्टर बड़ी तादाद में है, मुसलमान साइंटिस्ट बड़ी तादाद में है, ऐसा नहीं है, खान जो खानकाहों से भी जुड़े हुए हैं और जगह से भी जुड़े हुए हैं, तो वो उनको एक कमेटी बना के जो है वहाँ से बाकायदा अपील जारी किया जाए। इंशाल्लाह जो है जान बचाना सही है, इस वैक्सीन की वैक्सीन को हिंदुस्तान में आना चाहिए और लगना चाहिए, और गवर्नमेंट आगे बढ़ के खानकाहों को लेकर सूफी इस्लामिक बोर्ड को लेकर एक कमेटी बनाए जिसमें सूफी इस्लामिक बोर्ड हो के लोग और तमाम खानकाहों के सज्जादे हों, और हम लोग अपील करेंगे और हम सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, क्योंकि जो है हमारा मेन मिशन जो है वो हुब्बुल वतनी है, जो रहमतुल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। कुछ संगठन ऐसे हैं, इस्लामिक संगठन है, अभी सामने आ गए, उन्होंने कहा कोरोना तो है ही नहीं, ये तो भ्रम फैलाया गया देश में, कोरोना तो है ही नहीं। नहीं नहीं, मैं बता दूं, दरअसल हुआ क्या है, दरअसल जब कोविड आया तो जिस तेजी से कोविड को हमारे मेरे पत्रकार साथियों ने कुछ बिल्कुल उसे एक रंग देने की कोशिश करी, और उसके बाद देखिए एक बात समझ लीजिए, बदनाम जिसे भी किया जाएगा तो उसे ये लगेगा कि हमें खामखा बदनाम किया जा रहा है, तो उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी ही कौम के दुश्मन होते हैं, वही कह देंगे साहब ये तो है ही नहीं, हमें खामखा बदनाम किया जा रहा है। मैं आज एक बहुत बड़ा नाम ले रहा हूँ, इंदौर के डॉक्टर असद वारसी का। मेरी जब शुरुआत में सब मामला हुआ तो डॉक्टर असद वारसी, जिन्होंने आज इंदौर को जो है स्वच्छता अभियान के अंदर पूरे हिंदुस्तान में नंबर एक नंबर दिलाया है, मैंने उनसे मालूम किया, मैंने कहा भाई क्या मामला है कोविड के बारे में, उन्होंने कहा कशिश भाई किसी के दिमाग में भी ये बात हमारी तरफ से नहीं जानी चाहिए कि कोविड नहीं है, कोविड है, तो जब कोविड है तो हमें इससे जान बचाना है, और ये जानलेवा मर्ज़ है, तो हमारी अपील ये है कि इससे जान बचाइए, और जो जो गवर्नमेंट और हमारे खानकाहें अनाउंस करें मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उस वैक्सीन को लगना चाहिए, और वो वैक्सीन जो है जान बचाने के लिए बेहतर होना चाहिए। एक सवाल और था, आपने PFI के खिलाफत की थी अभी कुछ दिन पूर्व, PFI ने आपके संगठन के खिलाफ, इस्लाम बोर्ड के खिलाफ एक प्रदर्शन किया है, एक मुहिम शुरू कर दी है उन्होंने, आप क्या कहें, एक लाइन बताइए। दरअसल मैं आपको सिर्फ एक लाइन में बता दूं, PFI हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी का संगठन है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी का संगठन हैं तो हमारा मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस में क्यों है? हमारे मेरा मैं खुद बैठा हूँ, क्या आज तक मैं किसी राजनीतिक पार्टी से रहा? मेरी 60 साल की उम्र होने को आ गई है, क्या मैं किसी राजनीतिक पार्टी में रहा हूँ? कभी किसी राजनीतिक पार्टी से मेरा भी वास्ता नहीं रहा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का कभी मेंबर नहीं रहा। दरअसल हमारे बंगाल के अंदर लोग ममता से जुड़े हुए हैं, बिहार के अंदर लालू से जुड़े हुए हैं, तो अगर हमारा कोई भी आदमी कहीं पर भी है तो वो किसी राजनीतिक जिस राजनीतिक पार्टी से है वहाँ से जुड़ा हुआ है। अब बदनाम करने के लिए तो आप कुछ भी, हाँ हम एक बात कहते हैं कि अगर जो हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम के मिशन के ख़िलाफ़ चलेगा, जो हज़रत अली शेर खुदा वजहुल करीम के मुखालफत करेगा, जो उनके दुश्मनों की पैरवी करेगा, हम उसकी मुखालफत करेंगे, हम सच्चा इस्लाम हिंदुस्तान में देना चाहते हैं और सच्चा इस्लाम देंगे, जो गरीब नवाज ने दिया, जो वारिस पाक ने दिया, हम उस आदमी की मुखालफत करते रहेंगे जो इस मिशन की मुखालफत करेगा। मतलब PFI के खिलाफ खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं साहब, बिल्कुल खड़े हैं।